तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिंदी सेकंड मॉडल पेपर के बारे में। आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होने वाले वो जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड होने वाले हैं। जैसा कि आपको सभी को मालूम है कि बीए एग्जाम हिंदी में बहुत सारे क्वेश्चन जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी जयशंकर प्रसाद जी से रिलेटेड क्वेश्चन पिछले कई सालों में पूछे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज किस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम आने वाले हैं तो आपको प्रिपरेशन करना भी अनिवार्य है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के पिता का क्या नाम था। नंबर एक है तुलसीराम, बी नंबर है हरिनाम, और सी नंबर है देवी प्रसाद, डी नंबर है दीनदयाल। जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। नंबर एक है जौनपुर, बी नंबर है आजमगढ़, सी नंबर है काशी, और डी नंबर अजमेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ, और इनके गुरु, इनके माता पिता क्या नाम था, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था काशी में, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद की माता का नाम था, नंबर एक है रजनी, बी नंबर मुन्नी देवी, सी नंबर है रुक्मणी, और डी नंबर है अंजनी। तो जयशंकर प्रसाद जी की जो माता का नाम था वो था क्या हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, ठीक है, मुन्नी देवी नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जयशंकर प्रसाद का उपनाम क्या था। नंबर एक रघुराज, बी नंबर है रामधर, सी नंबर है जगधर, और डी नंबर है कलाधर। तो जो उपनाम था वो था कलाधर, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। दोस्तों अभी जो मैंने क्वेश्चन ऊपर बताया था आप कंफ्यूज हो गए होंगे, थोड़ा मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ इस क्वेश्चन में, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में यहाँ पर काशी की जगह वाराणसी आ जाए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। वाराणसी और काशी आप जानते हैं एक ही है, ठीक है। अब आते हैं हम पहले क्वेश्चन पे जहाँ पे थे हम। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म किस सन में हुआ था। अभी ऊपर क्वेश्चन था कि कहाँ हुआ था, अब किस सन में हुआ था। नंबर एक है 1876, बी नंबर है 1902, सी नंबर है 1889, और डी नंबर है 1880, ठीक है। तो जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था उस सन का नाम है 1889 ईस्वी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कामायनी किसका महाकाव्य है। नंबर एक है नागेंद्र, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर रामचंद्र शुक्ल, डी नंबर अज्ञेय। तो आपको एग्जाम में कामायनी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो कामायनी महाकाव्य है वो श्री जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं इस चैनल पे आपको बीए बीएससी बीकॉम से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। नंबर एक तितली, बी नंबर है झरना, सी नंबर है अग्निमित्र, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जो छायावाद का प्रथम प्रयोगशाला था उसे कहते हैं, ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा झरना, बी नंबर है राइट आंसर झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक का रचना कौन सी है। तो नंबर एक है लहर, बी नंबर है उर्वशी, सी नंबर है आंसू, और डी नंबर है अनामिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर उर्वशी, ठीक है। जो जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक का रचना थी उसका नाम उर्वशी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी के कितने पुरुष पात्र हैं, ठीक है। तो नंबर एक है 6, बी नंबर है 4, और सी नंबर है 2, और डी नंबर है 7। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2, ठीक है, 2 पुरुष पात्र हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये सब एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावन पंचक किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। नंबर एक है सुधा, बी नंबर है चांद, सी नंबर है भारतेंद्र, और डी नंबर है प्रतीक। तो जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, भारतेंदु, सावन पंचक भारतेंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जयशंकर प्रसाद के गुरु का क्या नाम था। नंबर एक नरिहर दास, बी नंबर रहीम दास, सी नंबर मोहिनीलाल, और डी नंबर है नंददास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, ठीक है, मोहिनीलाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी थी? नंबर ए कामायनी, बी नंबर है सज्जन, और सी नंबर है सावन पंचक, और डी नंबर है झरना। तो जो प्रथम थी कविता उसका नाम था सावन पंचक, ठीक है, सावन पंचक, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कामायनी का पहला सर्ग कौन सा है? नंबर एक चिंता, बी नंबर है आशा, और सी नंबर है श्रद्धा, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो कामायनी का जो पहला सर्ग है उसका नाम है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी की रचना कब हुई? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कामायनी की रचना किस सन में हुई। तो नंबर एक है 1960, बी नंबर है 1915, और सी नंबर है 1930, और डी नंबर है 1935। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी, ठीक है, 1935 में कामायनी की रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी नाटक किसका है? नंबर एक पंत, बी नंबर है अज्ञेय, सी नंबर है जयशंकर प्रसाद, और डी नंबर है रामकुमार वर्मा। तो जो ध्रुवस्वामिनी है वो आप लोगों को मालूम ही होगा, जयशंकर प्रसाद की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी नाटक में कितने अंक हैं? नंबर एक 8, बी नंबर 3, और सी नंबर 4, और डी नंबर है 10। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 3 है। ध्रुवस्वामिनी में जो नाटक में अंक की संख्या वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी नाटक का खलनायक कौन था? नंबर एक सकराज, बी नंबर स्कंदगुप्त, और सी नंबर है मिहिरदेव, और डी नंबर है बौना। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए नंबर, ठीक है, सकराज, खलनायक था सकराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद जी ने कुल कितने नाटकों की रचना की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उनके नाटकों की संख्या कुल कितनी है। तो नंबर एक है 50, बी नंबर है 25, सी नंबर है 35, और डी नंबर है 14। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 14, ठीक है, कुल संख्या है नाटकों की 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवस्वामिनी की रचना कब हुई? नंबर एक है 1950, बी नंबर है 1930, और सी नंबर है 1933, और डी नंबर है 1900 ईस्वी में, ठीक है। तो जो ध्रुवस्वामिनी की रचना हुई थी वो सन है 1933, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विशाख किसकी रचना है? नंबर एक महादेवी वर्मा, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर मोहन राकेश, डी नंबर रामचंद्र। तो आपको इसी तरह एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, जो राइट होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे बी नंबर है तो आपको मार्क शीट मिलेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से रूल्स चेंज हुए हैं, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट की यूनिवर्सिटी में मार्क शीट पे एग्जाम होगा उनमें 4 ऑप्शन होंगे, तो आप लोगों को जैसे कि बी राइट आंसर है तो आपको बी पे गोला कर देना होगा, ठीक है, उसे फिल कर देना होगा, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहर किसकी कृति है? नंबर एक निराला, बी नंबर हरिवंश राय, और सी नंबर है जयशंकर प्रसाद, डी नंबर है अज्ञेय। तो लहर जो है वो जयशंकर प्रसाद की ही कृति है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों कामायनी में कितने सर्ग हैं? नंबर एक 8, बी नंबर है 15, और सी नंबर है 5, और डी नंबर है 7। तो कामायनी में कितने सर्ग हैं, उनकी जो संख्या है वो है कितनी है, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, 15। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कामायनी, और ध्रुवस्वामिनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम राज्य किसकी कृति है? नंबर एक यशपाल, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर है नरेंद्र शर्मा, डी नंबर है महादेवी वर्मा। तो जो प्रेम राज्य कृति है वो है, यह रचना है श्री जयशंकर प्रसाद की है, इसलिए राइट आंसर इसका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्रभात की रचना कब हुई? तो ऑप्शन नंबर एक है 1914, और बी नंबर है 1935, सी नंबर है 1918, डी नंबर है 1919 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोगों को बताना है, प्लीज़ बताइए कमेंट सेक्शन में, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, प्रथम प्रभात की रचना 1918 ईस्वी में हुई थी, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये रट डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मिलन किसकी कृति है? ए नंबर है नागार्जुन, बी नंबर है जयशंकर प्रसाद, और सी नंबर है निराला, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो वन मिलन किसकी कृति है, उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, जयशंकर प्रसाद जी की वन मिलन कृति है, ठीक है।
तो राइट आंसर भी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। तो आपको इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देना है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चन जितने बताए आप लोग समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चन को आपको रट के जाना है, अच्छे से पढ़ के जाना है, जिससे आपको पूरी तरह से एग्जाम में हेल्प मिल सके। ये पिछले कई सालों में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और जितने भी जयशंकर प्रसाद जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहे थे मैंने इस वीडियो में सारे आपको बता दिए। इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन मैंने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती जिससे आप लोग को बोरिंग भी होती, इसलिए मैंने और क्वेश्चन नहीं किए। जो भी इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने ऐड कर दिए। फिलहाल जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, यानी कि जब मैं वेबसाइट पे डालूँगा, तो उसमें मैंने तैयार कर लिया 50-60 क्वेश्चन आप लोगों को जयशंकर प्रसाद जी से मिल जाएंगे। तो मैंने उसकी PDF भी तैयार कर ली है और वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर लिखा होगा sandeepinfo.com, उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद वेबसाइट पे आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वहाँ पर आपको 50-60 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पर, और साथ में PDF भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतने ही क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कुछ आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका 100% रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। और मैंने और सारी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख लीजिए। बहुत सारी वीडियो मैंने अपलोड की, कबीरदास, तुलसीदास, रहीम दास, जितने भी रिलेटेड हो सके। मुझे लगा ये सारी जानकारी आपको जो भी लगा कि प्रोवाइड करना ज़रूरी, मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जिन स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है बेशक कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और हाँ, मैंने दोस्तों एक नया चैनल ओपन किया जिसका नाम है हिंदी न्यूज़, ठीक है। उसको आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब करिएगा। और जिन स्टूडेंट को कोई इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।